बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आपने ज़्यादातर लोगों के माथे और पाँव पर स्याह निशान देखे होंगे, जो ज़्यादातर उन लोगों के होते हैं जो बाकायदगी से नमाज पढ़ते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये निशान बुजुर्गी की अलामत है। अब इन निशानात के पीछे क्या खास वजह है और इसके बारे में कुरान और हदीस में क्या जिक्र है, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह को दो कतरों और दो निशानात से ज़्यादा कुछ भी अजीज़ नहीं। एक वो कतरा जो अल्लाह के खौफ से आँख से गिरे और एक उस खून का कतरा जो अल्लाह की राह में लड़ते हुए गिरे। दो निशानात में एक वो निशान जो अल्लाह की राह पर चलते हुए बने और दूसरा वो निशान जो अल्लाह की जानिब से हमें सबसे अहम जिम्मेदारी यानी नमाज पढ़ते वक्त बने। नमाज में ये निशान सजदा करने की वजह से बनता है। ये अक्सर नमाजियों के माथे पर नज़र आता है और हमारे मुआशरे में ऐसे लोगों को कदर व इज्जत की निगाह से देखा जाता है। इस हवाले से कई लोग कुरान की सूरह फतह की एक आयत का हवाला देते हैं जिसमें अल्लाह फरमाता है, सजदों के असर से उनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। अब माथे पर मौजूद इस निशान की वजह क्या है? माथे पर इस काले निशान के हवाले से कई तशरीहात हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि सजदे के दौरान मर्दों के बराह रास्त और मुकम्मल तौर पर ज़मीन को छूने के नतीजे में ऐसा होता है। ये बात दुरुस्त इसलिए है क्योंकि एक मुसलमान एक दिन में 5 वक्त की नमाज के दौरान 34 बार सजदा करता है और हर सजदे में वो अपना माथा ज़मीन पर रगड़ता है और मुसलसल इस रगड़ से उसके माथे पर वो जगह जो सजदे के दौरान ज़मीन पर रखी जाती है वो सख्त हो जाती है और इस जगह का रंग भी काला हो जाता है। पेशानी पर सजदे की वजह से पड़ने वाले स्याह निशान को बुजुर्गी और नेकी की अलामत तसव्वुर किया जाता है। मर्दों में ये निशान अक्सर देखा जाता है लेकिन औरतों में माथे का ये निशान बहुत कम नज़र आता है जो 5 वक्त की नमाजी होती हैं। तो अगर इस निशान का ताल्लुक बुजुर्गी और नेकी से है तो तब ये निशान औरतों के माथे पर क्यों नज़र नहीं आता? साइंसी जुबान में इसकी वजह ये हो सकती है कि एक मर्द और औरत की जिल्द में फ़र्क होता है। एक मर्द की जिल्द सख्त और मजबूत होती है और मुसलसल रगड़ की वजह से ये निशान उनके माथे पर जाहिर होता है और मर्द मस्जिद में जहां सजदा करते हैं तो वो जगह भी सख्त होती है क्योंकि एक मर्द औरत की बनिस्बत अपनी जिल्द की ज़्यादा परवाह नहीं करता, जबकि औरतें घरों में नरम कालीनों या जाए नमाज पर सजदा करती हैं और अपने सर को ज़्यादा जोर नहीं देती, जिसकी वजह से ये निशान औरतों में निहायत कम देखने को मिलता है। लेकिन कई औरतें और मर्द ऐसे होते हैं जो इस निशान को हासिल करने के लिए सजदों में अपने माथे को जोर से ज़मीन के साथ रगड़ते हैं और इसके पीछे वजह कुरान की यही आयत बयान की जाती है कि सजदों के असर से उनकी पेशानियों पर निशान पड़े हुए हैं। कई उलमा के मुताबिक इस निशान का ताल्लुक क़यामत के दिन से भी है, जिस दिन कई लोगों के चेहरे रोशन होंगे और जिनकी पहचान उनके चेहरों पर मौजूद एक निशान से होगी, जो इस बात की निशानी होगी कि ये लोग दुनिया में अल्लाह के सामने सबसे ज़्यादा सजदा करते यानी नमाज पढ़ते थे। ये निशान जिल्द के नरम या सख्त होने की वजह से जल्द या देर से पड़ता है। बाज़ ऐसे लोग भी हैं जो पक्के नमाजी और लंबे लंबे सजदे करते हैं लेकिन उनकी पेशानी पर यह निशान नमूदार नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी देखने में आए हैं कि वो पेशानी पर पत्थर रगड़कर इस किस्म का निशान डाल लेते हैं ताकि लोगों में उनकी बुजुर्गी मशहूर हो। लेकिन जिसका दिल ईमान पर मुतमईन हो और वो वही करना चाहता हो जो अल्लाह ताला के पास है तो ऐसे लोगों की बातें कोई नुकसान ना देंगी। लेकिन अगर कोई शख्स कसदन ऐसा करता है, हत्ता कि उसकी पेशानी में सजदे की अलामत जैसी चीज़ पैदा हो जाए, तो ये दिखलावा और गज़ब है और इसे दर्दनाक अजाब की हलाकत है। ये निशान जहाँ से माथे के ऊपर बाल शुरू होते हैं उसके और भुओं के दरमियान बनता है। ये निशान हर इंसान की जिल्द की हसासियत के मुताबिक होता है। कुछ लोगों की जिल्द ऐसी होती है कि जिस पर यह निशान बन जाता है
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 5 वक्त के नमाजी होते हैं लेकिन उनके माथे पर ये निशान नहीं बनता। कुरान में पेशानी के जिस निशान का जिक्र है, इससे मुराद ये नहीं कि ये निशान माथे पर नजर आने वाला एक बुजुर्ग इंसान होगा, बल्कि इस आयत में ये निशान बुजुर्गी की अलामत नहीं बल्कि उसका असल मतलब चेहरे का वो नूर है जो अल्लाह की इबादत करने से आता है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि चेहरों पर सजदों के असर से अलामत होने से मुराद अच्छे अखलाक हैं। बाज़ बुजुर्गों का कौल है कि नेकी की वजह से दिल में नूर पैदा होता है, चेहरे पर रोशनी आती है, रोजी में कुशादगी होती है, लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा होती है। हजरत मंसूर हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से कहते हैं कि मेरा तो ये ख्याल था कि इससे मुराद नमाज का निशान है जो माथे पर पड़ जाता है, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये तो उन पेशानियों पर भी होता है जिनके दिल फिरौनों से भी ज्यादा सख्त होते हैं। सूरह अल फतेह की आयत नंबर 29 की तफसीर में ये है कि ये निशान उनके चेहरों पे सजदे के असर से है, इससे मुराद इतात फरमाबरदारी और इबादत का नूर है। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि जिल्द की सख्ती के बिना पर यह अलामत उनके चेहरे में सजदे वाली जगह में हो, पेशानी पर जिल्द की सख्ती वगैरह और रंग की तब्दीली की शक्ल में इस अलामत की मौजूदगी उस शख्स के इखलास और सही होने की कोई दलील नहीं। जैसा कि इस चीज़ का ना पाया जाना इस बात की दलील नहीं है कि वो शख्स अच्छा और नेक को साले नहीं और वह नमाज में सुस्त और काहिल है, बल्कि अक्सर तौर पर यह तो जिल्द की हसासियत और तबीयत पर मुनहसर है। अल्लाह ने क़यामत के रोज़ इन जगहों पर जहन्नम की आग हराम करार दी है जो अल्लाह की इबादत करते वक्त इस्तेमाल होते हैं, और माथे का ये निशान भी उसमें एक है, लेकिन सिर्फ जिस्म के एक निशान के तौर पर नहीं बल्कि अल्लाह ताला की खुशनूदी और रज़ा की खातिर इबादत करने पर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम की आग इब्ने आदम के सारे जिस्म को खा जाएगी सिवाय उसकी पेशानी पर पड़े सजदों के आसार के, क्योंकि अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग पर यह हराम कर दिया है कि वो सजदों के निशानात को खाए। सईदना जाबर रज़ल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन कुछ ऐसे भी लोग जहन्नम से निकलकर जन्नत में जाएंगे कि जिनके चेहरों के हलकों के अलावा जिस्म के बाकी तमाम आज़ाद जल चुके होंगे। चेहरे के पलकों से मुराद चेहरे का वो हिस्सा जो सजदे में ज़मीन पर लगता है, तो ये हिस्सा आग से महफूज रहेगा। तो दोस्तों इसलिए कोशिश करें कि आपकी कोई भी नमाज कज़ा ना हो और अव्वल वक्त में आप नमाज अदा करें, क्योंकि मरने के बाद कब्र में सबसे पहला सवाल नमाज का किया जाएगा। तो हमने नमाज दिखावे के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़नी है, और हमें जानना है उस मकसद को जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है। तो अगर आप इस दुनिया और आखिरत की कामयाबी चाहते हैं तो वक्त पर नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।